नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं विधाननगर के एक स्नेहा दृष्टि ब्लाइंड स्कूल में, जहां पर आज एक बहुत ही बड़ा सामाजिक कार्य किया जा रहा है। और आपको जानकारी देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि यहां पर दो दिलों का मेल हो रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है और प्यार को आगे बढ़ाने में हमेशा एक रुकावट आती है, लेकिन यहाँ पर प्यार अंधा तो ज़रूर है, लेकिन उसे जो सपने उन्होंने जो देखा है और वो जो सपने को पूरा करने के लिए जो आंखें चाहिए थे वो यहाँ पर मौजूद है। और उन्होंने एक बड़ी उड़ान उन लोगों को दी है, वो कपल को दी है, जो कि आज के समाज में आज बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल के रूप में सामने आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जिंदा दिल लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने एक अच्छे प्रयास से दो दिलों को मिलाने की कोशिश की है। वो भी ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने कुछ किया है जिसे लोग एक तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं। और आज के समय में जिस तरह से लॉकडाउन अपने जो महामारी की तरह लोगों के प्रति भारी पड़ी है, लोग आपस में एक बर्थडे जैसे कार्यक्रम को भी अच्छे से नहीं मना पाते, वहाँ पर दो असहाय जो दो दिल हैं उसे मिलाने की जो बेड़ा है वो यहाँ पर कुछ लोगों ने उठाई है। आने वाले हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हालांकि आज वो दिन आ गया है जहाँ पर दो दिलों का मेल हो रहा है। जिंदा आँखों से सपने हर कोई देखते हैं, लेकिन जिनके पास आँख नहीं है, रोशनी नहीं है, वो अब कैसे सपने देखेंगे? उस सपने को देखने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों ने मदद की है। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले एक मैडम जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं। मैम, आपका परिचय थोड़ा हमें दीजिए। मेरा नाम देवजानी है और मैं प्रेसिडेंट हूँ लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सेवंतिका। अच्छा, हम यहाँ पर आज अपने दो दिलों का मेल करा रहे हैं, एक संसार बसाने में मदद कर रहे हैं, आगे जाकर ये संसार आगे बढ़ेगी हमने भी शुभकामनाएं दी है, आपके तरफ से भी काफ़ी कोशिश हुई है। थोड़ा सा बताइए, क्या सोचकर आपने इस तरह का एक अच्छा सा शुभ कार्य आप लोगों ने समाज के लिए किया है? देखिए, हमारा जो क्लब है, हम लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जब हमें पता चला कि ये लड़की शी इज़ ब्लाइंड, शी कैन नॉट सी, और इसने जिसको पसंद किया है एंड वो शादी करना चाहती है उससे, कैसे जानकारी मिली मैम? हमें जानकारी मिली, हमारी हमारी ट्रेजरर है जी। वो यहाँ पहले भी आती थी, वो अपने अलग से पहले यहाँ पर आकर के देखभाल वगैरह वो देख के गई है। तो उसके माध्यम से जब हमें पता चला कि शी इज़ अ गर्ल एंड शी वांटेड टू गेट मैरी, तो हमने सोचा कि ये हम लोग सहायता करते हैं कि किस तरह से हम इनकी जो है शादी करवा पाए। ये लड़की किसी से प्यार करती है और ये शादी करना चाहती है, और लड़का भी और लड़के के घर वाले भी दे आर रेडी फॉर दैट। तो उसके लिए शादी का जो भी खर्चा है या कैसे शादी होगी, अरेंजमेंट है, उसका हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उसका भार उठाएंगे एंड देन विल डू इट। और जो लड़की परिवार से कौन कौन यहाँ पर उपस्थित है? लड़की के परिवार से, लड़की इज एन ऑफन गर्ल, उसके परिवार में कोई नहीं है, हम ही उसके परिवार वाले हैं। यानी कि आज आप उसका परिवार आप ही बने? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके मायके वाले हैं। जी, तो मैम कैसा लग रहा है इस तरह का एक नोबल कार्य आज आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। और इस तरह से आगे पता नहीं हम क्या क्या सेवा कर पाएँ, जो भी सेवा हमारे सामने इस तरह की कोई आएगी या कुछ और भी कोई चीज़ होगी तो हम लोग ज़रूर करेंगे एंड वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। जी, हमारे साथ यहाँ पर और एक समाज सेवी हैं, बाबन जी। सर, बताइए कैसा लग रहा है? कुछ लोग बड़े खुशी के साथ एक अच्छी खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, दो दिलों को मिला रहे हैं, क्या कहेंगे और कैसे आप लोगों ने इसको पूर्ण किया है? एक्चुअली जब इस शादी का बात हो रहा था तब ये लोग सोच रहा था जब मंदिर में शादी होगा, और इस जो संगठन है इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं कलकत्ता पुलिस हूँ। तो तब हम बोला जो हम लोग जो मिल मिस के काम करेंगे ना तो अच्छा होगा। बंगला में कहावत है, मिले मिशे कोड़ी का झाड़ी जीती नहीं लाग। हमरा किंतु सबाई मिले मिशे आज के शिलीगुड़ी थे इस्लामपुर অনেক সমাজসেবী ভালো মানুষ, পৃথিবীতে এখনও কিছু ভালো মানুষ আছে বলে সমাজসেবার কাজগুলো হয় আর কিছু ভালো ভালো কাজ হয়। আজকে এই লায়ন্স ক্লাব বা শিলিগুড়ির রসরাজ বা দিজু ভাই শান্তনুদা বা তানে যে যুবাড়িয়ে সবাই কিন্তু সাহায্য করছে। আমরা কিন্তু রাস্তায় নেমেছিলাম, আনারসের আড়ত থেকে শুরু করে বাজারে চাল ডাল থেকে শুরু করে আলু পেঁয়াজ সব কালেকশন করছি। আর একটা আর পাঁচটা বিয়ের মতোর মতোই কিন্তু আজকে এই বিয়ে, জোস্না এবং বাপির যে বিয়েটা হচ্ছে, আপনারা তো মিডিয়াতে আছেন, দেখছেন অনেক বিয়েতে আর চার পাঁচটা বিয়ে হয় মধ্যবিত্ত পরিবারের, সমস্ত রকম ডিজে থেকে শুরু করে এইখানে আমাদের লায়ন্স ক্লাব থেকে টিফিনের ব্যবস্থা করেছে, মাংস আছে, মাছ আছে, সম্পূর্ণ কিন্তু সবার সাহায্য নিয়ে, মানে কথায় আছে মানুষ মানুষের জন্য, ওই ওই কথাটাই আজকে পূর্ণ হলো আজকে। দাদা, ইয়ে যে পুরী তৈয়ারিয়া হয়, ইস তৈয়ারিয়া মে
कुछ खास अगर बातें कहें जो यहाँ पर इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ है उस पर क्या बोलेंगे आप? कुछ दिन पहले हम लोग सोशल पोस्ट किया था जो ये लड़का लड़की के शादी के लिए कुछ हेल्प करिए। इतना सोशल वर्कर सोशल माइंड आदमी जो मिल गया जुड़ गया इसे मैं हम लोग का आश्चर्य लगा है इस देख के जी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जहाँ पर अब आगे के संसार की शुरुआत वो करेंगे। हमने लड़की से भी बात की, लड़का काफ़ी खुश है, लड़की से हमारी बात नहीं हो पाई, हम आगे उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम ताने जी से बात करेंगे, शिव मंदिर में वहाँ पे समाज सेवी काफ़ी फेमस हैं वहाँ पर। ताने जी बताइए, ये जो पूरा जो तैयारियाँ है ओवरऑल आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत से पहले से ही बात चल रहा था ये कैसे करें, भैया भी बोले मंदिर में शादी करने के लिए कोशिश कर रहे थे वो लोग, फिर भी हम लोग चाहे कि हर कोई ऐसा चाहते कि मेरा शादी अच्छा हो, तो ये लोग का भी तो एक चाहवा है कि मेरा शादी भी सबके जैसा हो, सपना है कि हाँ सबके जैसा हो। तो हम लोग वही सपने के पूरे करने के लिए सब मिल के यहाँ पर आए कि वो लोग का भी सपना हम लोग पूरे कर पाए। यहाँ पर खास ये देखने को मिला, अक्सर आप लोग भी जब शादी में जाते हैं तो आपके गेस्ट बहुत ही अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, कुछ बड़े घर के होते हैं कुछ छोटे घर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर खास ये देखने को मिला कि जो लड़का है और यहाँ पे जो माहौल है जहाँ पर जो ब्लाइंड पर्सन यहाँ पर रहते हैं फिजिकली चैलेंज है वो भले, लेकिन आज वहाँ पर उनको इन्जॉय करते हुए देखा जा रहा है, एक बाराती के रूप में या एक फ्रेंड के रूप में या सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है, ये हमें अच्छा लगा। इस माहौल के बारे में क्या कहेंगे आप? यही हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हर कोई प्रोग्राम में हर कोई शादी में दूसरा सब कोई एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कोई माहौल ही क्रिएट नहीं होता है कि ये लोग भी थोड़ा एंजॉय करें। आज जो दिखाई दे रहा, हम लोग जो सोच रहे थे कि हम लोग ये करें, ये बाकी सब इसमें शामिल हो, बाकी सब यहाँ पे शामिल हो के अच्छे एक प्रोग्राम में सब लोग एंजॉय करें, वही हम लोग कोशिश करके ये कर पाए आज, वही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के एक सुविधा के हिसाब से, आप लोगों के एक कोशिश से आज बहुत अच्छा कार्य समाज में हो रहा है। फिलहाल इस पूरे शादी की जो तैयारियां हुई या बाकी चीज़ें उस पर तो काफ़ी अच्छा हमने आपको जानकारी दी। तो अभी हम दुल्हन से बात करेंगे और आप देख रहे हैं कि हर दुल्हन का ख्वाहिश होता है कि अपनी साड़ी पर वो बड़ी सुंदर लगे, बड़े चाव से रेडी हो, और यहाँ पर दो तीन लड़कियाँ जो हैं वो मिलकर उनको सजा रही हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही है दुल्हन। तो दुल्हन को थोड़ा सा समय लेंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले दुल्हन का नाम जानते हैं उनकी ही जुबानी। क्या नाम है मैडम आपका? ज्योत्सना दास। ज्योत्सना दास, कहाँ से हैं आप? जलपाईगुड़ी से। अच्छा, कैसा लग रहा है आज का ये दिन, जो आपने जो सपना देखा था आज वो सपना पूरा हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि आज मेरा बहुत साल का सपना पूरा हो रहा है जी। तो दादा जो है, जो आपके हस्बैंड होने वाले हैं, उनके बारे में कैसे जानकारी मिली और क्या कहना चाहेंगे, कैसे हस्बैंड साबित हो सकते हैं वो आपके लिए? उनके बारे में मेरे दोस्त के पास से जानकारी मिली है, उन्होंने मेरे को नंबर दिया था जी। तो धीरे धीरे बातें हुई आपके फ़ोन पर ही? हाँ जी जी। तो क्या लगता है कितने खुश रख पाएंगे आपके हस्बैंड? यस, कितने खुश को तो हैप्पी रखते पर भी अपना के अपना बोर। मैं तो जानती हूँ कि बहुत वो हैप्पी रखने का कोशिश भी करेगा और मेरे तरफ से भी उनको भी हैप्पी रखने का मैं भी कोशिश करूँगी, दोनों मिल के हम एक साथ रहेंगे जी। तो आज फाइनली ये दिन आ गया है, अब आपकी संसार शुरू होगी, और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने आपको सहयोग किया, आज ये दिन जो काफ़ी ज़्यादा सुहाना दिन है आज का, इसको आज एक तरह से सच करके दिखाया, क्योंकि हर लड़की का सपना तो रहता ही है कि उनकी जो शादी हो बड़े धूमधाम से हो, बहुत सारे लोग आएँ, बहुत सारे लोग अगर आशीर्वाद दें। यहाँ पर इतने सारे लोगों ने आया, आपके लिए तैयारी की, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन लोग और आगे बढ़े लाइफ में, और मेरे को और दुआ दे दे कि मैं भी खुश रहूँगी और उन लोग भी खुश रहेगा जी। तो ये जो शादी हो रही है, आप दो लोग एक ही कंडीशन में हैं लेकिन संसार बढ़ाने के लिए आगे जा रहे हैं, क्या लगता है क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी को, समाज को क्या संदेश जाएगा, या आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस शादी के माध्यम से? इस शादी के माध्यम से मैं यही समाचार देना चाहूँगी समाज को, क्योंकि किसी किसी समाज को पता ही नहीं है कि ब्लाइंड का शादी होता है जी। बहुत सारे गांव का इंसान है अभी भी बोलता है ब्लाइंड का कैसा शादी होता है जी। ये लोग कैसे चलेगा, ये तो दोनों आँख में दिखता ही नहीं है जी। तो मैं इसलिए शादी के बारे में मैं यही जानना चाहूँगी, मैं ये
आप एक उदाहरण बनना चाहते हैं समाज के लिए, हाँ, कि किस तरीके से शादी होता, हाँ, है, हाँ, कैसे एक लड़की होती है, भले वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो लेकिन उनका भी एक सपना होता है, वो भी चाहते हैं कि बाकी लोगों की तरह उनका भी जीवन हो, और आज ये पूरा हुआ, राइट? सही बात है जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े, आगे के संसार को पूरा करें, यही हम उम्मीद करेंगे। और दर्शकों, आप सभी से हम भी ये चाहेंगे कि आप भी इन्हें आशीर्वाद करें, या इन जैसे सभी लोगों को आशीर्वाद करें, और उन्हें भी उनके सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश तो बिल्कुल बनती है। आगे हम दूल्हे से बात करते हैं, उनका क्या सोचना है इस पूरे विषय पर। तो बात करते हैं दूल्हे जी से, और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, और किस तरीके से उन्होंने कभी सोचा था कि क्या इस तरीके से आज का दिन उनके जीवन में आएगा। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बापू चटर्जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम धनबाद जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आज बहुत बड़ी तैयारी हुई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तैयारी हमने देखा, सजावट हो गया है, साधारण लोग के तरह एक तरह से खास सभी के लिए एक जीवन में एक पल आता है जब वो अपनी शादियों को बड़ी धूमधाम से करने की सोचते हैं। आज आपकी जो शादी हो रही है, कुछ लोगों के सहयोग से ही भले, लेकिन आज ये दिन जो है वो बड़े ही अगर पैमाने में अगर बात करें तो बहुत बड़ा दिन है आज आपके लिए। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग का भी शादी इस तरह से होगा जैसे साइटेड लोगों का होता है। हम बहुत खुश हैं, और जो लोग डोनेट किए हैं या सहयोग किए हैं उन लोगों से हम दिल से खूब आभारी हैं। तो कैसे पता चला कि आपकी इस तरह से एक तैयारी होने वाली है, आपकी शादी होने वाली है? जैसे जिस तरीके से आप आज जिस पोशाक में हैं, काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं, काफ़ी हैंडसम भी लग रहे हैं आप, तो आगे की नई शुरुआत हो रही, जीवन की शुरुआत हो रही। अब तक अकेले जीवन आप जी रहे थे, जीने की तैयारी की थी आपने, अब ये जो तैयारियाँ हैं, अब एक और जीवन के साथ आप इस तैयारी को शुरू करने जा रहे हैं, इस पर क्या महसूस कर रहे हैं आप? इस पर हम महसूस ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले भी जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी, इस तरह से आगे भी चलेगी, और छठे बड़ों के आशीर्वाद से हम यही चाहते हैं कि हम लोग का जिंदगी में कभी दुख और संकट ना आए, और जैसे मेरा हुआ है उस तरह से, और जैसे हम लोग भाई बहन ब्लाइंड हैं उन लोगों का भी हो। अच्छा, तो जैसे कि जानकारी मिली है कि आप दोनों के बीच में एक अपनापन था, एक प्रेम प्रसंग था, जिसको आज एक मुकाम दिया जा रहा है कुछ लोगों के सहयोग से, उनकी तरफ से क्या इच्छा थी, आपकी तरफ से क्या इच्छा थी, और कैसे इस चीज़ को आज पूरा कर दिया गया है? देखिए, हम कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह से हमको कोई इतना मतलब प्यार करने वाली लड़की मिलेगी, पहली बार जी। और दूसरी बार हम इससे बात किए, वो भी रॉन्ग नंबर पे थ्रू से, रॉन्ग नंबर के एक दोस्त को हम बोले थे कि वो हमको अच्छा लड़की का नंबर देना जिससे हम शादी कर सके। यानी कि आपने शादी करने का मन पहले भी बना रखा था? हाँ, वो हम पहले टारगेट लेके रखे थे कि अगर हमको अच्छा लड़की मिलेगी तो हम शादी करेंगे, और सबका तरह हम भी अपना ज़िंदगी बसर करेंगे जी। तो जिसके जिनके साथ आपकी शादी हो रही है वो भी आप ही की तरह हैं, आप भी तरह जीवन यापन करते हैं, तो उनका सहयोग, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हम अपने आप से बेहतर लोगों की तलाश में होते हैं, बेहतर लोगों के बारे में सोचते हैं। आज आपके साथ आप जिस तरह के जीवन जीते हैं, वैसे ही एक महिला है जो आपके साथ जीवन जीने के लिए अब आगे बढ़ रही हैं, तो किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटेंगे, दुखों को बाँटेंगे? देखिए, पहला नंबर जैसे हम, अगर आप बोलिएगा तो हम साइडेड लोगों का इमेज थोड़ा आप लोगों को बता रहे हैं। साइडेड लोगों का क्या होता है कि मान लीजिए अब आपका बीवी कुछ खरीदी जी, वो देखो मेरा बीवी क्या जल कि ये सामान हमको चाहिए, इससे घर में क्या होता है, झगड़ा होता है, ठीक है। ऊपर से एक दूसरे को वो लोग समझते ही नहीं है, क्यों नहीं समझते, उन लोग को देखे देखी में होता है ना, वो लोग दिल से कोई तो रिश्ता है ही नहीं है, जिसका दिल से रिश्ता होगा उसके बीच में कभी झगड़ा झड़ ये सब नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक तरह से दो दिलों का मेल है, और आप जिस तरीके से आप दोनों के बीच में बिना एक दूसरे को देखे प्यार जगा, और आज वो प्यार जो है परवान चढ़ रहा है, शादी हो रही है, आगे की ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे वर्तमान समाज को, सोसाइटी को? वर्तमान समाज और सोसाइटी को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, कभी दौलत से प्यार मत कीजिए, करना है तो दिल से कीजिए। और हाँ, हम उन माता पिता को भी बोलना चाहते हैं कि अगर आपका लड़की हो या लड़का किसी से प्यार करता हो सच्चा दिल से, तो प्लीज़ उसको प्यार को आप लोग एक्सेप्ट करें, ना कि उसको इग्नोर करें, ताकि वो लोग का जिंदगी भी
भविष्य उज्जवल हो सके। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके घर पे कौन कौन है, मम्मी पापा? मेरे घर में मम्मी है, पापा है जी, और लड़की के घर पर मेरा भाई है और बहन है। बहन की शादी हो चुकी है, हम बड़े हैं। मेरे पापा का नाम है गोपाल चटर्जी जी, और मम्मी का नाम है कृष्णा चटर्जी। अच्छा तो उनका क्या कहना है इस पूरे जो भी डिसीजन अब हो रहा है, अब आगे की जो शुरुआत हो रही है, उनको लेकर क्या कहना है उनका, कुछ बातें? वो लोग पहले सोचते थे कि दोनों ब्लाइंड कैसे एक साथ रहेंगे, साथ रहेंगे कैसे जिंदगी सभी की एक सवाल रहेगी हमेशा कि दो लोग सेम कंडीशन में कैसे एक साथ जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में अगर कंप्रोमाइज होती रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मैसेज समाज को जाना चाहिए कि दो दिलों का मेल ही प्यार होता है। हाँ, दो दिलों का संसार को आगे बढ़ाया जा सकता है जी हाँ, है ना। और आगे आप किस तरीके से जीवन यापन करेंगे, कैसे अपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी वाइफ को आप खुश रखेंगे, कैसे आय का स्रोत होगा? आय का स्रोत देखिए, हम एगो यूट्यूब चैनल खोले हैं जी, ठीक है, बाफी चैनल के नाम से जी। तो हम सभी दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, ताकि हम उसके जरिए कुछ इनकम कर सकें और अपना घर गृहस्थी को चला सकें। और ऊपर से और हम दूसरा भी काम करते हैं, जैसे अगरबत्ती हुआ, फिनाइल हुआ, ये सब का हम सेलिंग देते हैं। मतलब आप आत्मनिर्भर हैं, अपनी जो कमाने की छोटी भले बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी कमाने का जो स्रोत है आए जितना, ये आपने पूरी करके रखी है। जितना हम मतलब कमाते हैं, हाँ, अपना वाइफ का हम सोना, गाड़ी, कार, ये सब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ तीन बफ की रोटी हम जरूर दे सकते हैं। बहुत अच्छा हौसला है, बहुत बड़ी बात आपने कही है, अच्छा संदेश समाज को जा रहा है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के सहयोग में कुछ अच्छे लोग आए, जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा वो लोगों ने कितने तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझा, समाज में किस तरीके से लोगों के बीच में खड़ा होना है, और एक जो सपने का जो मेल था, जो लोग जागते आँखों से भी सपने देखते हैं और जो सपने देखने लायक नहीं होते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा वो अनुभव करते हैं, आज उनके सपने को एक उड़ान और एक जो जगह है वो आज यहाँ पर मिल रही है। वाकई में एक बहुत अद्भुत नज़ारा है, हम यहाँ पर खुद उपस्थित हैं और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियाँ हो रही है, और इस जगह पर जहाँ पर ये तैयारियाँ हो रही है, ठीक इनके जैसे बाकी लोग जो कि बाराती करें या गेस्ट कहें या कुछ भी कह सकें, इनके सहयोगी या सहपाठी या साथ में रहने वाले दोस्त कह सकते हैं, वो सारे लोग आज इतने खुशी हैं, इतने खुशी से वो पूरे इन्जॉय कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि वाकई में आज मेरे यार की शादी है, और इसी तरीके से वो इन्जॉय कर रहे हैं। आजकल के माध्यम से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आपकी जो आगे की जो जीवन हो बहुत अच्छा हो, बहुत सुखमय हो, और कभी भी किसी की भी तरह की अगर ज़रूरत पड़े आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं खबर आजकल की तरफ से आप दोनों को। तो दर्शकों आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं हमारे आप सभी के साथ जुड़ा था, और अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ लोगों के बारे में आपको दिखा पाते हैं, उनके अंदर की भावनाओं को आप तक पहुँचा पाते हैं, उनके अंदर का जो चोट होता है उसे पहुँचा पाते हैं, और जो संदेश वो दे पाते हैं आप तक पहुँचा पाते हैं। ये वाकई में ये संदेश ही हमारे लिए सबसे मूलपूर्ण है, और हमेशा कहते हैं जो सपने आप देखते हैं, जो सोच आप रखते हैं, जो शौक आप पालते हैं, ये शौक वो हर इंसान को होता है जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या फिर किसी संघर्ष या किसी मजबूरी के तले दबे रहते हैं। हर इंसान का अपना शौक है, उसे पूरा करना चाहिए। जो इंसान अपने शौक को पूरा नहीं कर सकते हैं, उनसे उनके शौक़ को पूरा करने के लिए जैसे बाकी लोग आज इस शादी समारोह में शामिल होकर एकजुट होकर कंट्रीब्यूशन करके साथ दिए हैं, वैसे आप भी ऐसे ही आगे उन लोगों का साथ दीजिए, ताकि हर कोई अपना सपना जीते जी एटलीस्ट पूरा करने की कोशिश कर सके और वो कोशिश पूरी हो सके। आप सभी का एक बार फिर से खबर आजकल देखने के लिए मैं हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।